हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है जीतू और ट्रिपल सी के इस चैप्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट टू वीडियोस में हमने कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के दो टॉपिक सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा था, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के लास्ट टॉपिक यानी कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर की इंटरनल और एक्सटर्नल स्टोरेज एरिया होती है, जो डेटा और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसिंग के दौरान होल्ड करके रखती है। इसे टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, नंबर वन प्राइमरी मेमोरी और नंबर टू सेकेंडरी मेमोरी। तो स्टार्ट करते हैं नंबर वन प्राइमरी मेमोरी से। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोला जाता है। ये कंप्यूटर की इंटरनल स्टोरेज होती है, जो डेटा और इंस्ट्रक्शन को होल्ड करने के लिए यूज की जाती है। प्राइमरी मेमोरी में लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है। ये नेचर में वोलेटाइल मेमोरी होती है, जिसमें करंट इंफॉर्मेशन को मूव करने के लिए कांस्टेंट पावर सप्लाई की नीड होती है। प्राइमरी मेमोरी के टू टाइप होते हैं। पहला रैम। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है, जिसका यूज इंफॉर्मेशन को रीड और राइट दोनों के लिए किया जाता है। यह डेटा को सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे ही होल्ड करके रख सकती है, क्योंकि इसमें डेटा होल्ड करने के लिए कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक करंट की नीड होती है। तो अगर करंट इंटरप्ट होता है तो आपका डेटा लॉस्ट हो जाता है। रैम को टू मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ए स्टैटिक रैम, इसे एस रैम भी कहा जाता है। इसमें इंफॉर्मेशन होल्ड करने के लिए कांस्टेंट पावर फ्लो की नीड पड़ती है। एस रैम डी रैम से ज्यादा एक्सपेंसिव, ज्यादा फास्ट और ज्यादा रिलायबल होती है। इसका यूज ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोप्रोसेसर और जनरल कंप्यूटिंग एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। बी डायनेमिक रैम, इसे डी रैम भी कहा जाता है। यह इंफॉर्मेशन को सेल कंटेनिंग कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर में स्टोर करके रखती है। यह सेल इलेक्ट्रिक इंपल्स की वजह से कुछ ही मिलीसेकंड में रिफ्रेश्ड हो जाते हैं। यह प्रोसेस मेमोरी को चार्ज और डेटा को होल्ड करने के लिए अलो करता है। डी रैम एस रैम से लेस एक्सपेंसिव और लेस पावर की होती है। रैम के थ्री वर्जन होते हैं। ईडीओ रैम यानी एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट रैंडम एक्सेस मेमोरी, एच डी रैम यानी सिंक्रोनियस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी डी आर एच डी रैम यानी डबल डेटा रेट सिंक्रोनियस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब बात करते हैं दूसरी प्राइमरी मेमोरी यानी रोम की। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। इसमें एक बार इंफॉर्मेशन स्टोर होने पर फिक्स हो जाती है। इसमें हम ना ही कुछ लिख सकते हैं और ना ही कुछ चेंज कर सकते हैं। इसका यूज सिर्फ इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए किया जाता है। रोम को थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ए पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये एक ऐसी मेमोरी है जिसमें हम सिर्फ एक बार ही प्रोग्राम कर सकते हैं, और अगर इसमें एक बार प्रोग्राम हो जाए तो इंफॉर्मेशन परमानेंट फिक्स हो जाती है। ना ही इसे हम डिलीट कर सकते हैं और ना ही इसे हम एडिट कर सकते हैं। बी ई पी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये ऐसी कंप्यूटर मेमोरी है जिसमें इंफॉर्मेशन को अल्ट्रावायलेट लाइट से चेंज किया जाता है। सी ई ई पी रोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये वो मेमोरी होती है जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से प्रोग्राम को इरेज और रिप्रोग्राम किया जाता है। अब बात करते हैं नंबर टू सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी को सेकेंडरी स्टोरेज भी बोला जाता है। सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जहां प्रोग्राम और डेटा को लॉन्ग टर्म बेसिस पे स्टोर किया जाता है। ये प्राइमरी मेमोरी से स्लो और चीप मेमोरी होती है। ये एक परमानेंट स्टोरेज होती है। यह है कुछ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस। पहला फ्लॉपी डिस्क यानी डिस्केट। ये एक ऐसी डिस्केट ड्राइव होती है जिसका यूज डेटा को रिमूवल डिस्केट्स में सेव करने के लिए किया जाता है। यह प्लास्टिक से बनी होती है जिसके ऊपर मैग्नेट की कोटिंग होती है। फ्लॉपी डिस्क का यूज ज्यादातर फाइल्स को डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर में मूव करने के लिए किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क रिराइटेबल होती है जिससे इसका रीयूज भी किया जा सकता है। दूसरा हार्ड डिस्क ड्राइव। ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस होता है जिसका यूज डिजिटल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क से ज्यादा फास्ट और ज्यादा स्टोर की होती है। तीसरा मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप एक मीडियम होता है जिसमें मैग्नेट रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड को स्टोर किया जाता है। यह उन डेटा एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है जिसमें सिक्वेंशियल डेटा प्रोसेसिंग होती है।
ये एक सीक्वेंशियल डेटा एक्सेस मीडियम होता है। मैग्नेटिक टेप पे थिन मैग्नेटिजेबल कोटिंग होती है और ये एक नैरो प्लास्टिक से बनी फिल्म होती है। चौथा, कम्पैक्ट डिस्क यानी CD। कम्पैक्ट डिस्क एक स्मॉल प्लास्टिक डिस्क होती है। ये एक ऑप्टिकल मीडिया होता है जिसका यूज डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। CD को 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ए, CD-ROM यानी कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इस डिस्क में डेटा यूजर के यूजेस से ऑप्टिकल डिस्क के सरफेस पे परमानेंट रिकॉर्ड हो जाता है। इसमें रिकॉर्डेड कंटेंट ना चेंज किया जा सकता है और ना ही इरेज किया जा सकता है। बी, CDR यानी कम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। इस डिस्क में डेटा सिर्फ एक बार ही राइट किया जा सकता है। इसमें डेटा स्टोर होने के बाद इरेज नहीं हो सकता है। सी, CDRW यानी कम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ये एक इरेजेबल डिस्क होती है। इसमें हम डेटा को मल्टीपल टाइम राइट कर सकते हैं क्योंकि इसमें फॉर्मेट फीचर्स होता है जिससे डिस्क को फॉर्मेट किया जा सकता है। पांचवा, डिजिटल वीडियो डिस्क यानी DVD। डिजिटल वीडियो डिस्क को सुपर डेंसिटी डिस्क भी कहा जाता है। यह एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज है जिसे पहली बार फिलिप्स, सोनी, टोशीबा और पैनासोनिक ने 1995 में मैन्युफैक्चर किया था। DVD में CD से ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। DVD की 3 वैरायटीज होती हैं। ए, DVD-ROM यानी डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ओनली मेमोरी। बी, DVD-R यानी DVD रिकॉर्डेबल। सी, DVD-RW यानी DVD रीराइटेबल। छठा है, ब्लूरे डिस्क। ब्लूरे डिस्क एक ऑप्टिकल मीडियम है जो रिकॉर्डिंग, रीराइटिंग और हाई डेफिनेशन की वीडियो को प्ले करने के लिए बनाया गया है। इसका यूज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह DVD से 5 टाइम्स ज्यादा डेटा को स्टोर कर सकता है। यह है ब्लूरे डिस्क के फॉर्मेट। BD-ROM रीड ओनली फॉर प्री रिकॉर्डेबल कंटेंट। BD-R रिकॉर्डेबल फॉर PC डेटा स्टोरेज। BD-RW रीराइटेबल फॉर PC डेटा स्टोरेज। BD-RE रीराइटेबल फॉर HDTV रिकॉर्डिंग। सातवा, पेन फ्लैश थंब ड्राइव। फ्लैश ड्राइव एक डेटा स्टोरेज डिवाइस होता है जो फ्लैश मेमोरी के साथ साथ इंटीग्रेटेड USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस के इंटरफेस से बना होता है। USB फ्लैश ड्राइव रिमूवेबल और रीराइटेबल होता है और यह साइज में बहुत छोटा होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कैश मेमोरी की। आपने अपने फोन में या कंप्यूटर में एक फोल्डर या फाइल बनी हुई देखी होगी जो कैश नाम से बनी होती है। तो आखिर ये कैश मेमोरी होती क्या है? तो कैश मेमोरी वो मेमोरी होती है जो CPU और मेन मेमोरी के बीच में होती है, जो SRAM की चिप से बनी होती है। कैश मेमोरी का यूज कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए किया जाता है। प्रोसेसर सबसे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन कैश मेमोरी में सर्च करता है। कैश मेमोरी में इंफॉर्मेशन ना मिलने पर वह उसे मेन मेमोरी में सर्च करता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपको पता है क्या करना है। फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।